स्वामी जी के बारे में अक्सर भक्तों के बीच में चर्चा हुआ करती थी। तो चर्चा का विषय ज्ञान तो होता ही था, साथ में उनके चमत्कारों के बारे में भी इधर उधर से कुछ बातें पता चल जाती थी। एक बार हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन धाम में रुके हुए थे सभी के साथ में। तो आश्रम में क्या व्यवस्था थी कि आश्रम में एक पक्का हुआ एक कुआ बना हुआ था, उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार की लता पत्राएं विक्षादित थी। एक कुआ था, एक कमरा था और कुछ नहीं था। इसी जगह पर हम सब भक्त लोग बैठ जाया करते थे और देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न जगह के आए हुए भक्त इकट्ठे होते थे और सभी प्रभु जी के गुरुदेव के विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। सभी भक्तजन उसी में आनंद लेते थे। उनके चमत्कारों के बात में पूछने पर कुछ लोग अपने अपने अनुभव कहने लगे। एक शिष्य जो उनके बहुत अंतरंग थे, जो भिंड से आए थे, भिंड में एक जगह है महगांव, महगांव से दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ता है कनाथर, वहां के रहने वाले थे वो। भिंड के पास महगांव, महगांव से दक्षिण दिशा में कनाथर, वहां से वो आए थे। तो वो बताते थे कि हमारा गांव बिल्कुल जंगलों में बसा हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, अच्छी खासी ठंड थी और गुरुजी हम वहीं पर हमारे गांव में रुके हुए थे। अच्छी ठंडक पड़ रही थी, इतनी ठंड के बाहर रखा पानी जम जाए। और स्वामी जी दैनिक क्रिया करने हेतु मैदान चले गए। हम लोग उन्हीं के सानिध्य में रहते थे तो सुबह सुबह उठ करके दैनिक क्रिया करने के लिए मैदान चले जाते थे। और एक दिन वो गए तो लौटते समय एक चिड़िया को रास्ते में जो पड़ी हुई थी उसको उठा लाए और वह चिड़िया जो कि बिल्कुल निष्प्राण थी उसको ला करके अपने सिरहाने पर रख लिया। लगभग दोपहर तक वह चिड़िया उनके सिरहाने पर ऐसे ही पड़ी रही। जब कुछ भक्त इकट्ठे हुए, ठंडक दूर हुई, तो भक्तों ने आकर देखा कि स्वामी जी ये क्या है, आपके चारपाई पर ये चिड़िया पड़ी हुई है, ये तो मृत प्राय है, इसके प्राण तो निकल चुके, आप सुबह से ला करके इसको रखे हुए, इसको आपकी आज्ञा हो तो इसको यहाँ से हम हटा दें। तो स्वामी जी बोले कि हटाने की क्या जरूरत है, क्या तुम इसको निष्प्राण कहते हो, इसमें प्राण नहीं है। तो भक्तों ने कहा कि आप स्वामी जी हैं, आप प्रभु जी हैं, आप गुरु हैं हमारे, हम कैसे आपकी बात को काट दें, हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये निष्प्राण है। तो गुरुदेव भगवान बोले कि कहो तो इसे उड़ा ही दे। तो भक्तों की उत्कंठा और उनके अंदर आश्चर्य उमड़ आया कि हाँ गुरु जी, यदि ऐसा हो जाए कि यदि ये उड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ये कोई चिड़िया है, चिड़िया के प्राण आ जाएं और ये उड़ जाए, अपने संगी साथियों से जाके मिल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने चिड़िया को उठाया और कुछ पल तक उसे निहारने के बाद उस निष्प्राण चिड़िया को ऊपर की ओर उछाल दिया और कहा ले उड़। बस इतना ही उन्होंने शब्द कहा, ले उड़, और चिड़िया ऊपर की ओर फुर्र से उड़ती चली गई। इस प्रकार की अलौकिक क्रिया वहां उपस्थित अनेक भक्त लोगों ने देखा और इस घटना के बाद उस गांव में जो भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई तो स्वामी जी को लगने लगा, गुरु जी को लगने लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, यहाँ से तो निकलना मुश्किल है। अब दिन रात उनके चारों तरफ लोग रहने लगे, 20-25 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा और गुरु जी ये सोचते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकला जाए। तो एक दिन 2-2:30 बजे का समय रहा होगा, जो उनके शास्त्र शिष्य रहता था उससे बोले कि देखो अब ये सब सो चुके हैं और गहन निद्रा में, अब यहाँ से जल्दी चलो नहीं तो यहाँ से निकलने को दोबारा समय मिलेगा नहीं। तो वो बोले चलो भागो यहाँ से। शिष्य तुरंत उनका तैयार हो गया, शिष्य अपने दंड कमंडल उठा लिए और उसी भयंकर कड़कड़ाती सर्दी में गुरु और शिष्य दोनों चल दिए। इतनी ठंड
कि पानी तक जम जाए। साथ चल रहे शिष्य ने कहा, भगवान अब हम नहीं चल सकते क्योंकि पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, पैर काम करना बंद कर गए हैं, अब हम कैसे चलें तो कैसे चलें। तो स्वामी जी बोले, फिर किस प्रकार चलोगे, ये तो तुम्हें कुछ पैरों के मोजे वगैरह मिल जाए तो चल लोगे। तो शिष्य बोला कि हाँ भगवान बिल्कुल चल लेंगे। प्रभु जी ने पता नहीं कहाँ से एक जोड़ी मोजे निकाल करके दिए जो बिल्कुल गर्म, ऐसे जैसे कि किसी सेना के सिपाहियों को दिए जाते हैं, उस प्रकार के बिल्कुल सील बंद मजबूत, और जिसमें सील लगी हुई थी बिल्कुल नए कोरे के कोरे दिखते थे, जिन्हें एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया था। तो शिष्य आश्चर्यचकित के होकर के देखता रहा, महाराज जी आपके पास मोजे कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठंड को दूर करने से मतलब कि इससे मतलब कि ये कहाँ से आ गए, अरे तुम पहनो और चलो। शिष्य ने भी दोनों के दोनों मोजे जुराबें पहन ली, ठंड थोड़ी दूर हुई, दोनों लोग गुरु और शिष्य वहाँ से चल करके वृंदावन धाम आ पहुँचे। ये घटना अपने आप में एक ऐसी बात बताती है जैसे लगता है कि जैसे चमत्कार तो होते हैं परंतु उनका प्रदर्शन हर जगह ठीक नहीं होता। एक मैंने भी उनसे कहा कि गुरुदेव फिर ऐसा चमत्कार क्यों किया जब आप चाहते नहीं हैं। अरे होता नहीं है, हो जाता है, चमत्कार कोई करता थोड़े ही है, वो तो अपने आप हो जाते हैं। मैंने समझ गया कि गुरु भगवान बड़े सौम्य और सरल हैं, अपनी किसी भी बात को नहीं बताना चाहते। चमत्कारों की श्रृंखला में एक भक्त उनके हुए हैं, राधा रमन जी चतुर्वेदी, जो शुकवाद में रहते थे, उनका शरीर शांत हो चुका है, इंग्लिश के और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बिल्कुल अंग्रेज जैसे लगते थे, उनका मुझे सानिध्य प्राप्त करने को मिला। वो मेरे पास ही बैठे थे, हम दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। हमारी और राधारमन चतुर्वेदी की जो मित्रता रही बहुत लंबी चली। हम लोग आध्यात्मिक धरातल पर बैठते थे और आध्यात्म के अलावा दूसरी कोई बात नहीं हुआ करती थी। संबंधों की बात हुआ करती थी थोड़ी बहुत, परंतु अधिकांश जो वार्ता होती थी हम अपनी शंका निवारण करते थे, वो शंका का समाधान किया करते थे। मैंने अनायास उनसे पूछ लिया कि आपके साथ या क्या कोई चमत्कार हुआ है स्वामी जी का। तो उन्होंने कहा कि हाँ होता हुआ है कि स्वामी जी जब भी शुकवाद आते थे तो हमारे घर पर ही रुकते थे। इतने में जब वो हमारे घर में रुके हुए थे तो इतने में एक सज्जन हमारे यहाँ पधारे, उन्हें मैं नहीं पहचानता था। उन्होंने प्रभु जी को प्रणाम किया और वो बैठ गए। थोड़ी देर वहाँ शांति छा गई। पुनः स्वामी जी बोले कि स्वागत के लिए कुछ फल लाओ। घर में कोई फलाद की व्यवस्था थी नहीं, अतः मैं कुछ संकोच में पड़ गया। तो खूंटी पर दो झोले टंगे हुए थे, एक मेरा था दूसरा स्वामी जी का। स्वामी जी बोले, अरे इस झोले को उठाओ। मैं स्वामी जी का झोला उतारने लगा। ठीक उसी समय स्वामी जी ने कहा कि मेरा नहीं, अपना वाला थैला उठाओ, तुम्हारे थैले में ही कुछ फल पड़े हैं, उन्हें निकालो और प्रसाद स्वरूप सब में बांट दो। मैं सोचता रहा कि मेरे झोले में इतने बड़े बड़े सेब कहाँ से आ गए, मैंने तो यहाँ खाली झोला टांग दिया था। और मैं आश्चर्यचकित था कि मेरे ही झोले से दो सुंदर ताजे सेब ये कहाँ आ गए, मैंने तो कभी सेब लाया ही नहीं, न मैं इसमें रखे थे। मेरे मन की बात जानते हुए बोले, अरे ये वही है जो तुम कभी लाए थे। बात को इस प्रकार से उन्होंने टाल दिया। मेरी अकल पर तो एक प्रकार से जैसे ताला लग गया था, न कुछ कहा जाए, न कुछ सोचा जाए, न कुछ बोला जाए। स्वामी जी मेरे मनोभावों को देखकर मुस्कुराने लगे। इस घटना के बाद मेरा स्वामी जी के ऊपर अपार विश्वास बढ़ गया। प्रभु जी का कमरा एक अलौकिक आनंद में डूबा रहता था और मैं उसमें हिलोरे लिया करता था। एक रात तो होता ये था कि
हम और स्वामी जी दोनों साथ साथ सोया करते थे। यह वार्तालाप, यह संस्मरण मैं राधा रमन महर्ष के साथ हुआ था, राधा रमन चतुर्वेदी के साथ हुआ था, वही उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। तो एक बार राधा रमन जी और स्वामी जी दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, तो राधा रमन जी ने देखा कि कमरा पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ है, आंखों के सामने फुलझड़ियां छूसी छूट रही हैं, आंखों के सामने एक सा ही दृश्य बना रहा, प्रकाश ही प्रकाश कमरे में ऐसा लगा था जैसे धुआं भरते हैं, ऐसे प्रकाश पूरा का पूरा भरा हुआ था, पूरे में प्रकाश था, कहीं पर भी कोई छाया मात्र नहीं थी। मैंने अपनी चेतना को अवस्था में ज्ञान किया तो मैं अपने आप को पूर्ण चैतन्य अवस्था में पाया, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा था, पर यह स्वप्न नहीं था, यह पूर्ण में चैतन्य था, मैं जागा हुआ था। और सुबह तक वह प्रकाश मेरे कमरे में भरा रहा, उसके बाद मैं न सो सका न मेरा, और मेरा धारा प्रवाह अश्रुपात होता रहा, मेरा सीना कपड़े पूरी तरह से अश्रुओं से भीग चुके थे, मैं प्रभु जी के चरणों में त्राहिमाम पाहिमाम कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार मैंने उनकी अद्भुत शक्तियों का दर्शन किया कि उनके चारों तरफ एक शीतलता, एक कोमलता, एक ऐसी अद्भुत कांति बिखरी रहती थी कि जो अवर्णनीय थी। यह अनुभव मुझे एक बार हुआ उनके सानिध्य में सोने के बाद मिला, और उसके बाद से मेरा जीवन पूर्णतया बदल गया। मैंने राधा रमन जी से पूछा फिर आपकी दिनचर्या क्या हो गई, तो उन्होंने बताया कि जब से मैंने उनका प्रकाश देखा और प्रकाशमय उनका शरीर देखा, उसके बाद मैं ढंग से न सो पाया, न मुझे खाना अच्छा लगता था, बस आंसू ही आंसू बहते रहते थे, घंटों आंसू बहते रहते थे, मैं उसी दृश्य का अनुभव करता रहता था। ऐसा लगता था कि परमात्मा मेरे पास में है, गुरु साक्षात मेरा साथ में है, और वास्तव में देखा जाए तो परम पिता परमेश्वर का स्वरूप ही प्रकाश स्वरूप है, उसको मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है। और किसके द्वारा देखा? अपने गुरु के माध्यम से ही देखा, और गुरु ने ही उसका मुझे दिग्दर्शन कराया। एक बार की घटना है कि जब स्वामी जी सिरसागंज में रुके हुए थे, तो सिरसागंज में उनके अनेक भक्त रहते थे, अशोक जी जो जयमा स्टील फर्नीचर वाले हैं वो, दुबे जी देवेंद्र दुबे, और अन्य अन्य भक्त भी उनके सानिध्य में आया करते थे। एक बार किन्हीं कारणों बस स्वामी जी के साथ प्रयागराज जाने का सुअवसर मिला। तो ये घटना उनके रास्ते की है कि किस प्रकार से एक जीव की रक्षा हुई। तो जो डॉक्टर साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, और आगे स्वामी जी बैठे हुए थे, पीछे राधा रमन चतुर्वेदी और अशोक जी और देवेंद्र दुबे, तीन लोग पीछे बैठे हुए थे, दो लोग आगे गाड़ी में चले जा रहे थे। तो औरैया के पास की घटना है, जहाँ पर ये 12 बाईपास निकलता है, 12 बाईपास की घटना है। वो बहुत बड़ी चौड़ी नहीं थी, उस समय छोटी हुआ करती थी, दुबली पतली रोड हुआ करती थी। पता नहीं कहाँ से एक बकरी सामने आ गई और कार के नीचे से होके निकल गई, और इतनी जोर से आवाज़ हुई कि ऐसा लगा कि जैसे ये अब तो मर गई होगी। जैसे किसी जानवर के ऊपर कार चढ़ जाती है, उसके नीचे आ जाती है, तो आवाज़ें आईं और ऐसा लगा जैसे कि अब समाप्त हो गई। गाड़ी हम लोगों ने रोक दी, देखा कि क्या हुआ। देखते क्या है कि वो जो बकरी जो थी वो उठी जमीन से और अपने कानों को झाड़ लगाई कानों पे और जंगल की तरफ भाग गई। हम लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया, आगे चलते बने, तो हमने कहा गुरुजी बच कैसे गई? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि डॉक्टर तुमने तो उसे मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, वो तो प्रभु की कृपा थी जो उसका समय नहीं आया था इसलिए बच गई। परंतु हम जानते हैं कि कार के नीचे इतनी बड़ी बकरी का आना बच जाना
सामान्य बात नहीं थी। हम समझ चुके थे ये इन्हीं के चमत्कारों का प्रताप है कि जो कि बकरी बच गई, अन्यथा न बचती, क्योंकि कार के नीचे की जगह इतनी नहीं थी कि वो बच जाती। छोटी सी कार, उस समय एक प्रीमियम पद्मिनी करके गाड़ी चला करती थी, उस पर सवार होकर के हम लोग जा रहे थे। उसके नीचे की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 इंच रहती होगी, तो 8 या 9 इंच में एक इतनी बड़ी बकरी कैसे बच सकती है? बार बार चिंतन होता रहा। हमने यही जान लिया कि यह स्वामी जी की अहेतु की कृपा हुई है, स्वामी जी ने उसको बचाया है, उसके जीवन की रक्षा इनके द्वारा हुई है। निसंदेह स्वामी जी के विषय में और कहना अतिशयोक्ति होगी, उन्होंने जीव रक्षा की थी और डॉक्टर के हाथों होते हुए पाप को बचा लिया था।